बिल्कुल सुंदर और काफी खूबसूरत होगा। ये वैष्णो देवी का ये नज़ारा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है आपको अंदर का सीन, ये देख लीजिए। आप जरूर वैष्णो देवी में आ चुके हैं, यहाँ पर कश्मीर में आ चुके हैं, जैसे करके आप एकदम बिहार में टॉप है जा करके, अभूतपूर्व जा करके है और ऐतिहासिक जा करके है, बहुत भव्य तरीके से समिति लगा हुआ है। ये देख लीजिए यहाँ पर एसी है, ये देखिए 18 पॉइंट पर चल रहा है, यहाँ पर एसी है, उसके बाद यहाँ भी एसी लगा हुआ है, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो काफी एक हॉल ऐसा अंदर आपको अनुभव होगा। मगर आप जरूर यहाँ पर आइए, क्योंकि नहीं आएंगे आप तो पछताएंगे दोस्तों। ये देख लीजिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए काफी लंबा है और ये काफी चौड़ा भी आपको नजर आएगा, 1500 फीट है और पूरा फुल्ली एसी है दोस्तों। और काफी जय माता जी का यहाँ गूंज है, जय माता जी हमेशा आपको मिलेगा। और तो नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज, बड़े को प्रणाम छोटे को सुप्यार। यहाँ पर आप देखेंगे कि 7 कन्याएं हैं, थोड़ा साइड हो जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे कलश दिखाइए, वहाँ पर देखेंगे कि 7 कन्याएं हैं और भैरव बाबा हैं। यही जो है वैष्णो देवी का ये दरबार है, जो गया में हाथे गोदाम में यह बनाया गया है, और काफ़ी यहाँ पर भीड़ है। और आज एकमी के दिन, पहला दिन, काफ़ी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और बहुत उत्सव के साथ यहाँ आ रहे हैं। वैष्णो देवी अगर आप नहीं गए हैं तो वैष्णो देवी देखने के लिए और इनके सच्चे दरबार में आप आइए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये दिखाइए यहाँ पर, जैसे कि देख सकते हैं ये सातों जो बहनें यहाँ पर हैं, देवी देवताएँ जो हैं यहाँ पर, और ये यहाँ पर जो है दीप जलाया जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो बाबा हैं, और वहाँ पर ये स्टार्टिंग किया जा रहा है। भैरव बाबा वहाँ कोना में खड़े हैं, जैसे कि देख सकते हैं, भैरव बाबा को दिखाइए वहाँ, इधर आइए आप इधर, ये देखिए भैरव बाबा यहाँ साइड में है, चलिए वहाँ कोना में भैरव भैया है, जैसे कि देख सकते हैं। और आज ऊपर का पूरा दिखाइए, ये देखिए पूरा हम आपको आज नज़ारा दिखाने जा रहे हैं। और ये गुफा लगभग, मैं आपको बताऊं, 1500 मीटर में ये लंबा है, आपको मैं बताऊं, और इसकी अगर हाइट मैं बताऊं 15 से 20 फीट है इसकी हाइट। और पूरा यहां पर आप देखेंगे बाण गंगा में आप पहले आपका पैर धुला जाएगा और हाथ पैर धोते हुए आप अंदर की ओर प्रवेश करेंगे। तो अब हम लोग एंट्री कर चुके हैं वैष्णो देवी के दरबार में, देख रहे हैं, और हम लोग अब ये देखिए ये गुफाएं पूरा फुल्ली एसी है, ऊपर में करके दिखाइए, ऊपर में करके दिखाइए, पूरा फुल्ली एसी है, ये देख सकते हैं, और ये काफी भीड़ है। जय माता जी, अरे फुल्ली एसी है दोस्तों, मैं आपको बताऊं ये पूरा फुल्ली एसी है और आपको काफी अच्छा लगेगा। और उसके बाद इधर दिखाइए पीछे, ये देख लीजिए यहाँ पर अभी रास्ता को रोक दिया गया है, और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे काफी गजब। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। नहीं, वैष्णो देवी का दरबार जो ठंडा लग रहा है, वैष्णो देवी का जो दरबार गया में लगा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा पहली बार हुआ? फील हो रहा है, प्राउड फील हो रहा है अपने गया के। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर, जैसे कि देख सकते हैं। और उसके बाद ये देख लीजिए यहाँ शंकर जी का है, और ये काफी यहाँ पर एक गुफा एकदम वैष्णो देवी आपको नजर आएंगे, वैष्णो देवी का नजारा। उसके बाद थोड़ा सा कैसा लग रहा है आपको यहाँ? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, पहली बार यहाँ गया में बना है। आप वैष्णो देवी गए हैं? नहीं गए हैं, मगर आपको लग रहा है यहाँ की वैष्णो देवी में आ गए हैं? हाँ लग रहा है। अरे पूरा फुल्ली एसी है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर काफी ठंडा आपको लगेगा। और आपको मैं बताऊं कि 1500 आइए, उसके बाद देखिए दोस्तों ये देख लीजिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए काफी लंबा है और ये काफी चौड़ा भी आपको नजर आएगा, 1500 फीट है और पूरा फुल्ली एसी है दोस्तों। और काफी जय माता जी का यहाँ गूंज है, जय माता जी हमेशा आपको मिलेगा, और कहीं कहीं ऊंच नीच भी आपको जगह मिलेगा, जो आपको अपने पैरों को बहुत ही संभाल के चढ़ना होगा। एक देखिए यहाँ क्या नज़ारा है दोस्तों, दिखाइए आगे उधर से आगे, देखिए क्या नज़ारा है दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, ये एसी यहाँ पर लगा हुआ है,
ये देख लीजिए यहाँ पर एसी है, ये देखिए 18 पॉइंट पर चल रहा है, यहाँ पर एसी है, उसके बाद यहाँ भी एसी लगा हुआ है, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो काफ़ी एक हॉल ऐसा अंदर आपको अनुभव होगा, मगर आप जरूर यहाँ पर आइए, क्योंकि नहीं आएंगे आप तो पछताएंगे दोस्तों, यहाँ पर आइए जरूर। उसके बाद यहाँ पर प्रेम जी हैं, यहाँ पर आ रहे हैं प्रेम जी, जैसे कि देख सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं बताऊँ यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए काफ़ी गुफा जैसा हो गया है, और काफ़ी आपको लगेगा कि वैष्णो देवी के दरबार में, कैमरा दिखाइए बढ़िया से, वैष्णो देवी के दरबार में आप जा रहे हैं, और काफ़ी कहीं कहीं कंजेस्टेड एकदम आपको नजर आएगा, काफ़ी कंजेस्टेड। और उसके बाद यहाँ अर्धकुमारी का आप दर्शन करेंगे, ये देख लीजिए यहाँ पर अर्धकुमारी का दर्शन करेंगे, और उसके बाद मनोज आइए, चलिए आइए। उसके बाद ये देख लीजिए ये पूरा एसी, यहाँ भी आपको एसी लगा हुआ है, ये देख लीजिए। उसके बाद आखिर कैमरा सीधा कीजिए आप, ये देख लीजिए, और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर भी, ये देख लीजिए काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों, ये देख सकते हैं। और ये गुफा जो है और काफ़ी लंबा चौड़ा, आपको मैंने बताया था कि 1500 फीट है, और जैसे कि आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैम रुकेंगे थोड़ा सा आप, चलिए आप यहाँ, कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ? हमको यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत अच्छा लगा आज पहली बार गया में, कुछ यूनिक बना है। हाँ, तो यूनिक पूरे बिहार के लिए यूनिक बना है। हाँ, ये वैष्णो देवी का जो पंडाल बना है वो पूरे बिहार के लिए बहुत ही यूनिक बना है। तो आप लोगों को हम ये वीडियो पूरा ब्लॉग में आप लोगों को मिलेगा, इनके चैनल पे, हमारे चैनल पे, सब पे मिलेगा। अच्छा, तो आपका चैनल का नाम क्या है? मेरा चैनल का नाम कृति गौतम ब्लॉग है। तो सारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग, बहुत बहुत, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिहार के लिए यूनिक है, है कि नहीं? अरे आप लोग यहाँ पर जरूर आइए, ये देख लीजिए। और उसके बाद गणेश जी का, लक्ष्मी जी का यहाँ पर आपको फोटो नजर आ जाएगा, ये मूर्ति जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, आराम आराम से, आराम आराम से, ये देखिए काफ़ी यहाँ पर एक नज़ारा जो मिलेगा ना, काफ़ी बढ़िया। आप करते जाइए आगे आगे, वैसे करते जाइए, ये देखिए अब मैं आपको पूरा गुफा दिखा रहा हूँ, धीरे धीरे चलिए, धीरे धीरे कैमरामैन चलिए, ये देखिए गुफा, इनके से आगे चलिए, ये देखिए कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर भी, देखिए कूदिए नहीं, यहाँ पर भी कार्तिक जी और सरस्वती जी नज़र आ जाएंगे। काफ़ी भीड़ होने के कारण हम आपको पूरा समय नहीं दे रहे हैं, मगर यहाँ पर जो दिखाया गया है दृष्णा वैष्णो देवी का, और इसमें सीसी कैमरा भी लगा हुआ है। हाँ, अभी और कुल होगा, अभी अभी तो अभी स्टार्टिंग हुआ है, अभी स्टार्टिंग हुआ है, थोड़ा सा कैमरा इधर घुमा दे, एसी और कूल होगा। अच्छा, इसको बनाने में कितना दिन लगा? एक करीब करीब 1.5 महीना लग गया, 1.5 महीना लग गया। और ये बजट समझिए कि काफी लंबा, 40 से 50 लाख रुपया बजट है, मैंने 40 से 50 लाख रुपया में ये बना है कम्प्लीट। हाँ, जी जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये फुल्ली एसी है, और ये 11 रुपया एसी देख सकते हैं। हाँ, और उसके बाद यहाँ पर देखिए बजरंगबली, बजरंगबली आपको दर्शन दे देंगे। और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, और यहाँ पर, यहाँ देखिए आपको बड़ी संभल के आना है, धीरे धीरे देखिए, जिस तरह से वैष्णो देवी का दरबार है उसी तरह से यहाँ दरबार बनाया गया है, और काफ़ी सुंदर लगेगा दोस्तों। 1500 मीटर काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, और ये देख लीजिए यहाँ नज़ारा, और कहीं कहीं हर जगह पर आपको यहाँ पर आपको नज़र आएगा, अगर किसी प्रकार का आग वगैरह भी लग जाता है तो उसको भी बुझाने के लिए यहाँ पर है। और यहाँ आपको वैष्णो देवी का नज़ारा आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए धीरे धीरे आप आइए, धीरे धीरे दिखाइए, और यहाँ पर बिल्कुल वैष्णो देवी आपको यहाँ पर लगेगा, जैसे कि वैष्णो देवी के दरबार में आ चुके हैं, कश्मीर में आ चुके हैं। ये देखिए आपको मैं ये नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ, ये चारों तरफ, उधर दिखाइए, उधर दिखाइए, उधर, ये देखिए यहाँ पर चारों तरफ का जो नज़ारा देखेंगे ना, काफ़ी सुंदर। आप वैष्णो देवी आपको नज़र आएंगे, कैमरा नज़दीक करके दिखाइए, कैमरा नज़दीक करके दिखाइए, ये जाइए। और उसके बाद देखिए यहाँ का जो नज़ारा होगा ना, बिल्कुल सुंदर और काफ़ी खूबसूरत होगा। ये वैष्णो देवी का ये नज़ारा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, कैसा लग रहा है आपको अंदर का सीन, ये देख लीजिए। आप जरूर वैष्णो देवी में आ चुके हैं, यहाँ पर कश्मीर में आ चुके हैं, जैसे कि लग रहा है। आप कहाँ आ चुके हैं चाची जी, बताइए? अच्छा, आप बताइए कहाँ? वैष्णो माता जी के दरबार में। आप वैष्णो देवी गए हैं कभी? नहीं,
नहीं अभी तक। मगर आपको लग रहा है कि वैष्णो देवी? हाँ, हम लग रहा है कि पहला बार हम दर्शन कर लिए माँ वैष्णो देवी की। चलिए देखिए, इन्होंने पहली बार यहाँ पर आए हैं गया में, मगर लग रहा है कि इनको वैष्णो देवी के दरबार में आ चुके हैं। देखिए दोस्तों, उसके बाद यहाँ आप देखेंगे पूरा फुल्ली वोल्टास का है। उसके बाद आगे आइए, आपको आइए, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से के बाद आपको भैरव बाबा का दर्शन हम करवाते हैं। इधर आइए, अब देखिए यहाँ पर आने के बाद जैसे ही वैष्णो देवी के को दर्शन करते हैं तो पहाड़ की ओर, ऊंचाई की ओर जाते हैं, तो वहाँ पर ये भैरव बाबा का आपको दर्शन मिलेगा, जो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये भैरव बाबा का यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। भैरव बाबा को दिखाइए, यहाँ भैरव बाबा का आप दर्शन करेंगे। यार आना है तो ज़रूर एक बार आइए, गया में ज़रूर आइए। और ये हाथे गोदाम है गया में, स्टेशन के बगल में ही है। ये 11 रुपया का टिकट है, और यह यानी 15/10/2023 से 25/10/2023 तक आप इस गुफा में आ सकते हैं वैष्णो देवी के दरबार में। उसके बाद यहाँ से आपको लास्ट कर जाएगा, मैं वो भी आपको दिखा दे रहा हूँ। प्रेम कुमार जी आ रहे हैं यहाँ पर, और ये देखिए गया के पुराने सदस्य लोग हैं, और ये देख लीजिए। एक मिनट, आपको कैसा लगा यहाँ पर माँ का दरबार जब घूम के आप आए दर्शन करके? आप एकदम बिहार में टॉप है जा करके, अभूतपूर्व जा करके है, और ऐतिहासिक जा करके है। बहुत भव्य तरीके से समिति के लोगों ने चलिए दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं, और देखो यहाँ पर ईटा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको पूरा दर्शन करवा दिए हैं, आप लोग भी कैसा लगेगा वो आप लोग जरूर यहाँ पर आइए। जय माता जी, जय हिंद, जय भारत।